कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे एक सुलझे हुए नेता ने और यह बयान दे दिया कि मुझे वंदे मातरम का गायन करने में कठिनाई है, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा का जो सत्र का समापन होता है तो वंदे मातरम के गायन से ही होता है, जनगणमन से प्रारंभ होता है और लोकसभा का प्रत्येक जो सत्र है वो वंदे मातरम के गायन के बाद ही उसका समापन होता है। और जिस वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए, जो पूरी आज़ादी की लड़ाई का मंत्र था और उसको गाने में भी इनको कठिनाई हो रही है, तो देखिए जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, इनको देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े होने में कठिनाई नहीं है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब कुछ वामपंथी नक्सली लोगों ने देश के टुकड़े टुकड़े का नारा लगाया तो उनके पक्ष में जाकर राहुल गांधी खड़े हो गए, कांग्रेस के नेता खड़े हो गए, राजद के मनोज झा पहुंच गए, लेकिन वंदे मातरम का गायन करने में उनको कठिनाई हो रही है। और आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और उसके पहले शिवराज जी की सरकार थी, तो प्रत्येक महीने का जो पहला दिन होता था तो सभी सरकारी दफ्तरों में तालुक से लेकर जिला से लेकर मुख्यालय वो वंदे मातरम का गायन होता था। और कमलनाथ ने आते ही जब उसको बंद करने का ऐलान किया इतना विरोध हुआ कि मजबूरी में फिर कमलनाथ को यह निर्णय लेना पड़ा कि मध्य प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में सारे लोग वंदे मातरम का गायन करेंगे। तो आज वंदे मातरम का गायन लोकसभा में होता है, राज्यसभा में होता है, मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में हो रहा है और हमारे सिद्दीकी साहब को वंदे मातरम का नारा लगाने में या वंदे मातरम कहने में उनको कठिनाई हो रही है। तो जनता तय करेगी ऐसे लोगों के बारे में कि जिनको जनगणमन भारत माता की जय बोलने में दिक्कत हो रही है, जिनको वंदे मातरम गायन करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए ऐसे लोगों को जनता इस चुनाव के अंदर और जवाब देगी। और अगर कहीं गलती से राजद के लोग जीत के चले गए तो क्या करेंगे, वो चुप रहेंगे उस समय। इसलिए इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को अपनी सफाई देनी चाहिए।